तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो जब से नया अपडेट आया है तब से एक न्यू चीज़ आई है जो है पिकअप किट, यानी कि ये देखो उतरते मेरे को मिल गई है और काफ़ी ज़्यादा मिल रही है एंड इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी है यार, खासकर जो लोग रैंक पुश कर रहे हैं यार, मतलब उनके लिए तो ये स्वर्ग है। मतलब कहीं भी बाहर हॉट ड्रॉप पे जाओ, जस्ट हील करो, वहाँ पे फुल हील करो, गाड़ी भी नहीं चाहिए आपको, करते रहो हील, करते रहो करते रहो करते रहो एंड एंड जब भी गाइज बहुत ज़्यादा सर्कल काटने लग जाए तब इमरजेंसी पिकअप किट का यूज़ करो, देन सीधा जोन के अंदर जा सकते हो। इवन आप जो है थर्ड या फोर्थ जोन के अंदर भी एंटर कर सकते हो, इतनी तेज़ी से ये आपको जोन के अंदर पहुंचा देती है, इवन ये आपको सेंटर में पहुंचा देगी, मतलब आप कहीं पे भी उतर सकते हो, तो बहुत काम की चीज़ है। आज मैंने सोचा इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। अभी हम जाने वाले थे जोन के बाहर, सब कुछ मतलब ऐसा था कि अगर तो इमरजेंसी बाहर हमें कुछ टीम मिलती हैं जो कि बाहर लड़ रही हैं तो हम उनको बाहर जाएंगे, उनके ऊपर रश करेंगे, उनको मारेंगे, देन अगर व्हीकल नहीं रहेगी हमारे पास तो जो है हम इमरजेंसी पिकअप किट का यूज़ करेंगे एंड देखेंगे मतलब किस हद तक। बट एक्चुअली गाइस सरप्राइज़ हमको मिलता है वो मैं आपको आखिरी में ही बताऊँगा, आखिरी में नहीं मिड गेम आपको पता चल जाएगा सरप्राइज़ क्या था। एक टर्निंग पॉइंट आता है इस किट को लेकर, क्योंकि खैर मैं अभी से रिवील नहीं करूँगा उसको। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा है उसको मार देते, दो बंदे होते हैं एक्चुअली, एक तो भाग गया इसका, इसको मरते ही जैसे पीला वो पहले तो रश करने वाला था, बट जैसे ये पीला तो वो पीछे की साइड से भाग गया, जैसे वो भागा अब वो भागा तो मैंने कैंसिल करी और मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर पुश कर दूँ, बट कुछ सेकंड पहले वो जो है उस गेट को क्रॉस कर जाता है। सो अब हमने सोचा कि काम करते हैं बाहर जाके उसको मारेंगे, हम तो तीन है तो मार देंगे उसको इजीली, तो उसका पीछा करते हैं, बट काफ़ी दूर जा चुका था। इवन बग्गी पकड़ी उसने और बग्गी पकड़ के निकल भी गया यहाँ से, तो हमने उठाई बाइक और उसका पीछा करते हैं, हमको पता था वो रिकॉल पे जाएगा। अब रिकॉल पे देखो यार अजीब सा ही, मतलब सामने बंदे होते हैं उससे पहले कि हम उसको मारें, देखो कहाँ कहाँ से फायरिंग होती है और हम टोटली कन्फ्यूज। अब यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके एक बंदे को मारा जो कि मेरे को दिख भी नहीं रहा था यार, जैसे उसने फायरिंग करी पेड़ के पीछे से, हल्का सा दिखा था मेरे को, मैंने इसको नॉक कर दिया और इतने में जो है इसका दूसरा टीममेट जो कि बिल्कुल मेरे ऑपोजिट था उसने मेरे को नॉक कर दिया। फिलहाल इमरजेंसी पिकअप किट हमारे पास है और सामने बंदे जो है दोनों साइड से आ रहे हैं। अब इस साइड से एक बंदा आता है, खैर थोड़ी देर के लिए उसको मैं इग्नोर करता हूँ और अब इसको नॉक किया और फिनिश भी कर देता हूँ। फिलहाल पीछे की साइड कुछ बंदे उनको भरते हैं गाइस और यहाँ पे थोड़ी लूट ले रहे थे, लेकिन एक बंदा यहाँ पे जो था वो कैम कर रहा था, इवन उसका दूसरे साथी आता बगी लेके। अब यहाँ पे मेरी एक गन रिलोड नहीं थी याद रखना, एक गन तो खाली हो गई थी, लेकिन दूसरी चीज़ें मैंने पिक करी तो भाई वो जो खाली थी और रिलोड करते करते मेरी टीम ने पीछे से बचा लिया मेरे को। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या आता है, उसको एक बंदा नॉक कर देता है, वो बंदा पता नहीं कहाँ था, शायद वो घर के अंदर है, और जैसे उसको मैं सपोर्ट करता हूँ तो देखो कैसे भरते हैं इस बंदे को एंड ईजिली ये वाली टीम को जो है फिनिश कर दे, हमारे टीम को फिनिश कर देते हैं, लेकिन हम अपने टीम को ट्रैप कर ही देंगे यहाँ पे और थोड़ी सी लूट भी ले लेते हैं जो कि आगे जाके जो है काम आने वाली है हमारा। और एक चीज़ मैंने देखी है अपडेट के बाद जो है थोड़े से कॉइन ज़्यादा मिलने लग गए, चलो पहले के मुकाबले ज़्यादा थे, लेकिन जो जब पहली बार ये कॉइन आए थे तब जो है एकदम भर भर के कॉइन मिलते थे यार, मतलब 50-60 कॉइन तो यूँ ही एक ही लूट में मिल जाते थे एक हॉट ड्रॉप से। फिलहाल इस बंदे को फिनिश किया और अब जो है बारी है यहाँ से निकलने की, थोड़ी लूट वूट कर दी, बट उसने बगी का टायर फोड़ दिया था तो हमको दूसरी बगी वहाँ से लेनी पड़ी। अब आते थोड़ा सा ओपन में और यहाँ पे दिखता है एक बंदा जो कि लूटने आया था ड्रॉप, अब इसके बंदे थे सामने, वो भी एक नहीं भाई पूरे चार बंदे थे इसके, आई मीन तीन इसको छोड़ के, एक बंदा सामने है एक मेरे पीछे भी है।
वैसे यार वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा गाइस कि आप फ्री में कुछ पैसे जीत सकते हो वन इस बेट पे। जी हाँ, आपको वहाँ पे साइन अप करना है और बोनस कोड यूज़ करना जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उससे मिलेगा आपको 20,000 तक का एक्स्ट्रा कैश बोनस जो कि आपकी फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा आपको। और उस पैसे जो कि आपको डिपॉजिट में मिलेंगे आपको एज अ कैश बोनस, उसको आप मैच आईपीएल में यूज़ कर सकते हो। आपको जैसे कि पता आईपीएल चल रहे हैं गाइस और आजकल आईपीएल जो बहुत खतरनाक चल रहे हैं, तो उनमें आप अपनी फेवरेट टीम के ऊपर प्रेडिक्शन कर लगा सकते हो। और देखने में लग रहा है कि गाइस आजकल जो है इस आईपीएल में वैसे भी गुजरात और राजस्थान की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उनके ऊपर आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो। ट्राई करना वन एक्स बेट का, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं, मेरा बोनस कोड भी वहीं पर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर इनके तीन बंदे नॉक हो चुके हैं गाइस, बाकी एक न्यू टीम होती है जो कि चर्च पे होती है, तो उस टीम को मारने जाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर जो है पीछे की साइड भी इनका एक बंदा है, तो वो ना वहाँ से क्विट कर जाता है। उसने सोचा कि जो है पीछे की साइड चला जाता तो अपनी पूरी टीम को रिवाइव कर दूंगा, लेकिन हम पे भी तो फायर हो रहा था गाइस, हम पे जो फायर हो रहा था वो हो रहा था बिल्कुल चर्च वाली साइड से। सो यहाँ पे बेहतर यही रहता था कि मैं जो है सीधा वहाँ पे पुश कर दूँ, क्योंकि हमारे एक टीममेट वहाँ पे जो स्टक हो गया था, तीन बंदे थे उनके जो कि मैं एक टीममेट के ऊपर रश करने ही वाले थे इतने दिन में आ जा रहा हूँ। और एक बंदा जस्ट रिच पे था, इसको सबसे पहले निपटाऊँगा मैं। अब मैं दूसरे को ज़बरदस्ती ओपन में जाके मार देता हूँ, जबकि मेरे को पता था मैं यहाँ पे नॉक हो सकता हूँ क्योंकि दो बंदे एक दूसरे के क्रॉस फायर में बैठे हुए हैं। बट क्योंकि एक बंदे को हमने नॉक कर दिया था, फिर 2v2 था, तो मैं एक बंदे को अगर और नॉक कर देता तो फिर 1v1 बचता है, जो कि मेरी टीम ने इजीली ले लिया था। और उसके बाद जब हम वहाँ से निकल पड़ते हैं, अब ये गाड़ी थी, अब ये गाड़ी से हमारी फाइट हो जाती है एक अनदर टीम के साथ। हम ऐसा चुपचाप जा रहे थे, इस जगह पर बंदे थे, गाड़ी वाड़ी लगी हुई थी जब हम आए, तो भाई बंदे थे यहाँ पे लेकिन छुपे हुए थे, किसी ने फुट्स नहीं दिए। लेकिन एक बंदा जो हमको दिखता है, ये देखो, खैर बाकी सब बंदों को निपटा दिया, अब बारी है यहाँ से निकलने की। लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ से निकलें, दो बंदों की टीम और आ जाती है। जैसे ये 1v2 थे ना, इनको फिनिश किया, अब ऐसे ही एक टीम और आ जाती है। अभी ये देखो उनको भी कैसे भरते हैं, हम पहले तो चले गए थे फिर वापस आते हैं। देन ये बंदा दिख रहा है आपको येलो में, अभी यहाँ पर ये बंदा डैमेज वैमेज देता है, लेकिन हम अंदर चले जाते हैं। देन यहाँ से ना, पहले तो इसका एक ही बंदा था, लेकिन दूसरा बंदा भी इसका आता वहाँ पर, और जैसे मैंने नेट कुक किया, अभी वो सोच रहे थे कि ये नीड नहीं फेंकेगा, लेकिन उनमें से एक बंदे को जब लगा कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे मैं नीड फेंका था एक बंदा नॉक, और दूसरा बंदा जो है डायरेक्ट फिनिश हो जाता है, जिसको मैंने गन से मार दिया था। अब यहाँ पे गाइस कुल मिला के आपको तो बताता हूँ एमरजेंसी पिकअप किट कैसे पूरे प्लान में आती है, क्योंकि हमारा एक टीममेट स्टक हो गया था अगेन एक जगह पर, क्योंकि दो ही दो जा रहे थे हम, तीन थे तो एक बंदा अलग रह ही जा रहा था। पीछे वाली गाड़ी का टायर फूटा हुआ था, तो हमने ये वाली गाड़ी चेंज कर ली, लेकिन इस गाड़ी में फ्यूल कम था, इस गाड़ी में फ्यूल कम था, तो हम चले गए बाहर। अभी हमको नहीं पता है कि इस गाड़ी में फ्यूल कम है, वरना हम बूस्ट नहीं मारते। सामने बंदा था जिसको कि नॉक किया था मेरी टीम ने, और फाइनली हमने जो है इसको इसका किल मेरे को मिल गया। लेकिन बाद में जब गन यहाँ पे जो है गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया, तो हमने सोचा परफेक्ट टाइम है एमरजेंसी पिकअप किट यूज़ करने का। लेकिन गाइस यहाँ पे टर्न तब आता है, पूरी ट्विस्ट तब आता है यहाँ पे, जब हमको पता ही नहीं था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। मेरे को लगा कि ऐसा बैग पर टैप करके यूज़ करेंगे, यूज़ हो जाएगा, लेकिन अब यूज़ हो ही नहीं रहा था। अभी हमको इमरजेंसी में यार बाइक लानी पड़ी, जोन के बाहर से एक बंदा आया, वो हमको लेके जाता है, एक एक करके लेके जाते, वो दोनों जोन में निकल लेते हैं, मैं एक लैम्बोर्गिनी लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। यार अगेन वो किसी और टीम के उसमें फंस जाते हैं अगेन। मैं अब थोड़ा सा कन्फ्यूज था इस किट को लेके कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं जाके यूट्यूब पे देखूं कि कैसे करना है, लेकिन इतना टाइम नहीं था यार, गेम के बीच में कौन इसको बंद करे, फिर यूट्यूब खोले, फिर वहाँ पे देखे, इतना टाइम नहीं रहता, जबकि मेरे टीममेट सामने नॉक हो रहे थे, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा बाहर में जाइए किट, अब तो हम कैसे भी करके जोन में आ चुके हैं, सो यहाँ से सीधा उठेंगे और सामने वाले बंदे को पुश कर देंगे, जैसे कि अगेन मैं हमेशा करते हूँ। बंदे एक हो, दो हो, तीन हो, अगर मैक्सिमम तीन बंदे तो मैं उनके ऊपर पुश कर ही जाता हूँ। 4v4 1v4 में तो मुश्किल होता है थोड़ा सा ओपन में खासकर, तो यहाँ पे दो बंदे थे सामने। अब मेरा प्लान था एक को मैं गाड़ी से कुचलूँगा और दूसरे को मैं नॉक करूँगा, उतरते ही मारूँगा, थोड़ा रिस्की था, लेकिन हाँ मैंने सोचा कर ही लेते हैं। अब एक चीज़ तो मैंने सही से कर ली, वो था सामने वाले एक बंदे को नॉक करना गाड़ी से, जो कि मैंने किया। लेकिन दूसरा प्लान मेरा फेल तब हो गया जब मैं गाड़ी से जैसे उतरा पानी के अंदर चला गया। अब एडवांटेज सामने वाले बंदे के ऊपर चला गया कि वो बाहर है और उसको पता है पानी के अंदर हूँ। मैंने सोचा निकलते ही मारूंगा, लेकिन जैसे मैं निकला, तीसरा बंदा जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, वो पत्थर के पीछे से निकल के मेरे को मार देता है। हालांकि अगर दो बंदे वहाँ पे रहते, जिसको कि एक को मैंने नॉक कर देता और दूसरा अकेला बंदा कर रहता, तो मैं पानी से झट से निकल के उसको फिर भी नॉक कर सकता था, एक आधा चांसेस था। और थोड़ा बहुत टीममेट ने भी पीछे से जो है कवर नहीं दिया, क्योंकि वो खुद नॉक हो रखे थे वहाँ पे। सो दैट्स इट, यही तो वीडियो।
अब फाइनली मेरे को जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो तब जो है मैंने यूट्यूब से देख लिया कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम अच्छे से यूज़ करूँगा गाइज। लेकिन ये ट्विस्ट अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करना। मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लिया, टेक केयर एंड गुड बाय गाइज़।